तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GS3 के 12 अप्रैल के सेशन में। तो आज हम लोग कौन से न्यूज देखेंगे? तीन न्यूज देखेंगे। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन। तो सेमीकंडक्टर में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एलसीआर फ्रेमवर्क की। एलसीआर फ्रेमवर्क का मतलब आप पूछेंगे, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, आपका आरबीआई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड टर्म है, इसके बारे में समझेंगे। फिर बात करते हैं एटॉमिक टाइम कीपिंग इंडिया। तो देखिए, एटॉमिक टाइम कीपिंग क्या होती है और इंडिया में उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है और क्यों का जरूरत है, ये सब बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। तो हमारा आर्टिकल है किसके ऊपर? सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन के ऊपर। सेमीकंडक्टर का रिवॉल्यूशन क्यों आया? देखिए, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हर जगह होता है। मोबाइल यूज करते हैं, वहां पे सेमीकंडक्टर है। वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, उसमें जो चिप लगती है, इसमें जिसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं आपका सेमीकंडक्टर से बना होता है। जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कार का जो आपका डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का, ठीक है, अंदर का जो डिजिटल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके सारे जो वायर्स कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आपका किसी एक चिप के ऊपर होती है। और चिप बेसिकली सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो ये सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अब ये जो चिप्स बनते हैं, ये दुनिया में हर जगह नहीं बनते, ये केवल कुछ ही रीजन में बनते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, दुनिया बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से पैंडेमिक आ जाता है और फिर जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं। देखिए, वॉर हो रहा है, कहीं आपका रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, कहीं आपका गाजा पट्टी में लड़ाई हो रही है। तो इन सब पोलिटिकल टेंशन और पैंडेमिक के चक्कर में आपका जो डिस्टर्ब हो जा रहा है क्या, सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन है किसका, इन आपके चिप्स का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो आपका डिमांड हो रहा है उसको सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन अराइज ना हो, इसके बाद ऐसा सिचुएशन अराइज तो हो ही गया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो उसके बाद कंट्रीज ने सोचा, अलग अलग कंट्रीज ने, जिसमें इंडिया भी शामिल था, कि अब समय आ गया है हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो फ्यू रीजंस जहां पे केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया ने कहा कि देखिए, इंडिया में ये चिप मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना बनाया जाए। तो अब इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया इन चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब उम्मीद है कुछ सालों में इंडिया भी आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनेगा, ठीक है। मेक इन इंडिया में का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सब चीजें आप चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो बेसिकली इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाह रहा है। चलिए ये देखें, अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक थोड़ा बहुत साइंस देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन करते हैं कि ये आपका आखिर साइंस है क्या। चलिए, अब आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं, ये होते हैं चिप्स, ठीक है। इसको समझने से पहले देखिए, ये जो माइक्रो चिप्स हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर से बनते हैं। आपका भाई सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इन सेमीकंडक्टर्स में हम लोग डोपेंट्स डालते हैं, डोप्स। तो उन डोपेंट्स के डालने पर मतलब एक प्रकार की इम्प्यूरिटी एड करते हैं, जिसकी वजह से इन सेमीकंडक्टर्स में आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। ये भी आपका ये सेमीकंडक्टर में डोप करने पर बना हुआ है, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल स्विच है, इलेक्ट्रिकल स्विच, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम कर सकता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर्स और ऐसे सारे डिवाइस, ये जो छोटा सा चिप है ना, ये एक छोटा सा हमने चिप बनाया, इस चिप के अंदर इस प्रकार के ट्रांजिस्टर्स और दूसरे अलग अलग प्रकार के स्विचेस लगाए गए। कितने? आपके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स है, ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, ये कम से कम 1 मिलियन से 1 बिलियन इतने छोटे से एरिया में हम फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आप हमारा जो पूरा प्रोसेस आपका सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का। तो ये चिप, चिप क्या होता है, समझ गए, समझ गए। अब ये जो चिप होता है, ये बना किससे होता है? एक वेफर होता है, सिलिकन का वेफर। सिलिकन के वेफर पे हम लोग क्या कहते हैं, डोपेंट्स ऐड करके इस प्रकार का सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो वेफर याद रखिए, ठीक है, वेफर के ऊपर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। जो भी हमारा सर्किट है, जो भी हमारा स्विच है, ट्रांजिस्टर है, इन सबको प्रिंट किया जाता है, ठीक है, एक वेफर के ऊपर, ठीक है, सिलिकॉन वेफर। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये है आपका वेफर का पिक्चर। इसी वेफर के ऊपर हम प्रिंटिंग करते हैं और इसको काट के इस प्रकार के चिप बनाते हैं, ठीक है। ये जो चिप है, इस चिप के ऊपर एक सर्किट छपा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक आपका सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सारे इसमें छपे हुए हैं, ठीक है, इसमें एम्बेडेड है। तो ये हमने बात समझी, ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ। ये पहले बड़े बड़े होते थे, समय के साथ और छोटे होते चले गए और छोटे होते चले गए, तो इसका साइज देखिए इतना छोटा हो गया। तो यही होता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
ठीक है, तो और ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको नहीं देखते। अब देखिए कंसेप्ट समझते हैं। देखिए वेफर हमने देखा पिछले साइड में, वेफर से हमने बनाया चिप। अच्छा ये जो चिप है ये ऐसे थोड़ी ना है कि इसका डिजाइन होगा प्रॉपर, इसके ऊपर जो सर्किट है उसके उसका डिजाइन करना पड़ेगा ना। तो ये जो डिजाइन होता है सर्किट का, ये आपका कंप्यूटर की मदद से करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो डिजाइन कर दिया, डिजाइन करने के बाद क्या करते हैं, इन वेफर्स के ऊपर छपाई करते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर काट के ये चिप्स अलग कर लेते हैं। तो इसका जो फैब्रिकेशन है, फिर ये फैब्रिकेशन करता है। अब देखिए इंडिया के पास अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की तो इंडिया के पास भरमार है, जिनको ये डिजाइन करना आता है, लेकिन इसको छापने के लिए यानी कि फैब्रिकेट करने के लिए हमको दूसरी कंट्रीज की ओर देखना पड़ता था। लेकिन इंडिया कह रहे हैं कि भाई हमारे पास डिजाइन इंजीनियर्स तो है, केवल ये फैब्रिकेशन यूनिट लगाने की बात है, तो ये हम लोग लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो आपका यूनिट लगाने में काफी ज्यादा धनराशि हमें खर्च करना पड़ेगा, यानी कि काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंडिया में ही हम लोग फैब्रिकेशन कर सकते हैं, इंजीनियर्स की तो वैसे भी हमारे पास कमी नहीं है। तो ये है हमारा, तो ऐसा सब अगर होगा तो आ जाएगा इंडिया में सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन लाने की बात है, सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन इंडिया में आएगा तो इंडिया की तरक्की होगी। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था। देखिए हम लोग पढ़ने वाले एलसीआर फ्रेमवर्क में आरबीआई सोच रहा है कुछ कुछ चेंज करना। तो ये आपने सुना तो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, ठीक है। अब जिनको नहीं आया उनको और चीजें समझनी पड़ेगी इसका मतलब कि क्या होता है ये एलसीआर फ्रेमवर्क। पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इसको कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। इसको समझेंगे, उससे पहले कुछ न्यूज की हम बात करते हैं। तो एक न्यूज आया, आपके फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन बैंक्स में कुछ स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस मतलब जरूरत पड़ी होगी लोगों को पैसे की, तो बहुत सारे लोगों ने बैंक से अपने जो डिपॉजिट है या तो ट्रांसफर करवा लिए या तो उसको विड्रॉ करा लिया। तो इससे जो बैंक्स को ना काफी समस्या हो गई। अब आप कहेंगे ये बैंक को समस्या क्यों हो गई, बैंक को अभी काफी टेंशन हुआ, ठीक है, क्यों हुआ। अब थोड़ा बहुत बैंकिंग अगर आपको आइडिया होगा तो आप समझ सकते हैं। जैसे ये है हमारा बैंक, बैंक में डिपॉजिटर्स लोग गए और 100 रुपए जमा करा दिए, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। तो ये 100 रुपए इनके पास जमा थे, तो इन 100 रुपए में से 80 रुपए इन्होंने लोन में घुमा दिया। अब लोन में देखिए भारी इंटरेस्ट इनको मिलेगा, पैसा मिलेगा, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेट अस से आपका 7% देना पड़ रहा है, लेकिन लोन में घुमाते हैं तो 14% का इंटरेस्ट इनको मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है 7% का, ये भाई बैंक की कमाई है, इस तरीके से बैंक कमाई करता है। अब देखिए अब क्या हुआ, 100 रुपए ने डिपॉजिटर्स ने जमा कर दिए, लोन इन्होंने घुमा दिया 80 रुपए। अब ये डिपॉजिटर ने बोला हमारा पैसा वापस करिए, अब बैंक के पास बचे तो 20 रुपए। अगर 60 लोग चले आए बैंक के पास कहे कि हमें अपना पैसा वापस करिए, डिपॉजिट वापस करिए, तो बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे, क्या करें, क्योंकि लोन में घुमा हुआ है, ये लोन लौटाएगा काफी कम देर में। तो यहां बैंक आके इस सिचुएशन में फंस जाता है, तो बैंक को हो जाती है टेंशन। इस प्रकार का टेंशन ना आए इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं बैंक के द्वारा। अब ये बहुत ही क्रूड एग्जांपल था, और ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन ये बेसिक यही बात समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि बैंकों को टेंशन क्यों हुई जब लोगों ने अपना डिपॉजिट वापस मांगा। तो अब ऐसा सिचुएशन बाहर कंट्रीज में आया, इंडिया में ऐसा सिचुएशन ना आए उसके लिए भाई आरबीआई ने एक एलसीआर फ्रेमवर्क बनाया है, और इसी फ्रेमवर्क के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए पहले तो समझेंगे एलसीआर का डेफिनेशन क्या होता है। एलसीआर इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो कि होता है HQLA, यानी कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लोस, ठीक है। अब ये नया टर्म आ गया, एक टर्म समझते हैं दूसरा टर्म आ जाता है, तो उसको समझेंगे क्या होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। क्या होते हैं कि वो सारे एसेट्स बैंक के पास जो कि तुरंत लिक्विडेट हो जाए। लिक्विडेशन का मतलब आपके पास एक घर है तो घर को बेचने में समय लगेगा, तो लिक्विडेशन करने में प्रॉब्लम होगा, घर बेच के जो पैसा आया उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड मनी, ठीक है। तो देखिए लिक्विड मनी होनी चाहिए, जैसे जिसको हमें तुरंत उसका उपयोग मिल जाए, जैसे कि आपके पास अगर आपका कैश है, कैश अगर आपके पास है दुकानदार के पास, आपने कैश दिया सामान लिया तो दुकानदार आपको सामान दे देगा, लेकिन अब आपको पता है आप मेरे पास घर है एक, लेकिन उस घर से मैं तुरंत बेनिफिट नहीं ले सकता ना, उसका मतलब लिक्विडिटी कम है। तो ऐसे हमारे पास एसेट चाहिए, तो घर भी एसेट है कैश भी एसेट है, लेकिन कैश आपका लिक्विड एसेट है और आपका जो होम है वो लिक्विड एसेट नहीं है। तो हमारे बैंक के पास जो लिक्विड एसेट है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जिसको तुरंत बेच के हम पैसे कमा सकते हैं, एक तो कैश हो गया, इसके अलावा आपके बॉन्ड्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके गोल्ड हो सकते हैं, गोल्ड को भी हाईली लिक्विड माना गया है। इसके बाद बैंक कुछ रेशियोज रखती है अपने पास, जैसे कहते हैं SLR और MSF, ठीक है। तो SLR और MFF अब बैंक को रखना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, इतना समझ लीजिए। ये होते हैं हाई क्वालिटी एसेट्स, तो SLR भी होता है, SLR में भी बैंक कुछ कुछ हाई क्वालिटी एसेट सकती है, MSF में भी कुछ एसेट सकती है। तो इन पूरे टोटल का सम कर लिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया नेट कैश आउटफ्लो, अरे जो लोन में पैसा घुमाया है, ठीक है, जो बैंक से बाहर दिया बैंक ने, लोन वोन दिया, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका ये जो LCR होना चाहिए ये 100% होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जितना आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है
उतना आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, ये हमारा नियम बनाया गया था भाई आरबीआई, ये आरबीआई के बाद नियम बनाया गया था। अभी हाई क्वालिटी एसेट्स होंगे तो लोग अगर इस तरीके से डिपॉजिटर्स पैसा मांगने आएंगे तो बैंक को इधर उधर मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उसके बाद एसेट्स होंगे जिससे आप डिपॉजिटर्स को पैसा दे सकें इन केस ऑफ अ बैंक रन, इसी को हम लोग बैंक रन बोलते हैं। बैंक रन मतलब डिपॉजिटर अगर बैंक के पास रन करके गए और पैसा मांग लिया अपना, तो इसको बोलते हैं बैंक रन। इन अ सिचुएशन ऑफ बैंक रन आपका एलसीआर 100% रखने को कहा गया है ताकि बैंक रन में बैंक को समस्या ना आए। अब ये जो आपका एलसीआर है, नेट कैश आउटफ्लो और हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ये आपके 30 डे ड्यूरेशन का चेक किया जाएगा। 30 डेज ड्यूरेशन का जो चेक किया जाएगा, तो जितना आउटफ्लो 30 दिन में कर रहे हैं उतना ही आपके पास एसेट होने चाहिए, ये है एलसीआर फ्रेमवर्क। तो इस एलसीआर फ्रेमवर्क को क्या दोबारा देखने की जरूरत है, इस पर आरबीआई कंटेम्पलेट कर रही है, सोच रही है कंटेम्पलेट, ठीक है, चिंता इसके ऊपर आरबीआई सोच रही है कि इसको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं तक जरूरत है, क्योंकि भाई बाहर की कंट्रीज में इस प्रकार का स्ट्रेस आया है। तो ये है ये वाला पहला आर्टिकल, सॉरी दूसरा आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए फाइनल आर्टिकल पे आते हैं, चलिए चर्चा करेंगे एटॉमिक टाइम क्रीपिंग की। तो इसमें देखिए इंडिया ने कई जगह पे एटॉमिक क्लॉक्स आपके डिप्लॉय करने की बात कही है, ठीक है, कहां कहां देखिए, बेसिकली यहां पे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, यहां पर आपका एटॉमिक क्लॉक है, आपका नेशनल फिजिक्स लैब में है, इसके अलावा अहमदाबाद है, फरीदाबाद में भी प्रेजेंट है, और भी जगह ऐसे एटॉमिक क्लॉक्स लगाए जा रहे हैं जैसे कि भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद। देखिए कंट्री में अलग अलग जगह ऐसे एटॉमिक क्लॉक लगाए जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल आपके मन में उठेगा ये क्लॉक क्या है। क्लॉक का जो काम होता है टाइम मेजरमेंट करने का, तो ये क्लॉक्स आपके काफी एक्यूरेट टाइम मेजर करते हैं, बहुत एक्यूरेट टाइम आपका मेजर करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट होती है थ्रू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स, एटम्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मेजर करके ये टाइम आपका मेजर किया जा रहा है। ये देखिए आपके पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ एटॉमिक क्लॉक, एक इतना बड़ा आपका जो सिस्टम बनाया गया है, ये एक प्रकार का क्लॉक है जो आपके एटम का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेजर करके टाइम मेजर करता है, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। और ये एटॉमिक क्लॉक्स बना के फायदा क्या होगा, तो जो इसका टाइम होगा एटॉमिक क्लॉक्स का, जहां अलग अलग जगह जहां भी आपके एटॉमिक क्लॉक्स बना रहे हैं, उस क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं और आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको सिंक्रोनाइज किया जाएगा विद दीज इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक्स, इनके टाइम के साथ ये सारे डिवाइसेस सिंक हो जाएंगे ताकि पूरे कंट्री में केवल एक ही टाइम हो, कहीं भी आपका टाइम का कुछ हेरफेर ना हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम आपका हर जगह आपको मिले। तो ये जरूरी क्यों है, देखिए डिफेंस सिक्योरिटी में जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी में जरूरी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जरूरी है, उन सब काम में जहां पे थोड़ा सा अगर टाइम गैप में अंतर आएगा तो काफी चेंजेस समझ में आएगा आपको, मतलब हर एक छोटा छोटे मतलब वेरी स्मॉल टाइम गैप इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट काफी जरूरी है, आप जो कहीं ऐसा मिसाइल मारना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम मेजरमेंट जरूरी होना चाहिए ना, कितने टाइम में आपका मिसाइल गिरेगा चलेगा। और साइबर सिक्योरिटी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ऐसे एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट करने के लिए ऐसे एटॉमिक क्लॉक्स थ्रू आउट इंडिया डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई। देखिए हमारे जो कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है ताकि वो लोग ये देखिए एटॉमिक क्लॉक को के साथ आपका सिंक कर सके, टाइम सिंक कर सके, आपके एटॉमिक क्लॉक जो कि आपका नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में रखा हुआ है उसके टाइम के साथ आपका सिंक करना है आपको सारे सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, तभी सारे डिजिटल डिवाइसेस में आपका सेम टाइम आएगा थ्रू आउट इंडिया। तो देखिए इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाएगा, ठीक है। अब आज अभी के समय में आपका जो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, तो बेसिकली सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपका इसरो भी हमारे नेविक टेक्नोलॉजी जो है, आपका जो 7 सैटेलाइट्स है जो आपका एक्यूरेट लोकेशन बताने का काम करती है, तो इन्हीं की मदद से आपका टाइम डिसमिनेशन करती है, ठीक है, आपका टाइम का निर्धारण करती है, तो इसरो की बात हो गई। लेकिन ये जो सैटेलाइट के थ्रू आपका टाइम का निर्धारण करने की जो बात है, अगर सैटेलाइट को कभी ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉकेज कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसी वॉर के टाइम में, तो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट का हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं बचेगा। तो उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने आपके अलग अलग एटॉमिक क्लॉक्स थ्रू आउट इंडिया लगाएंगे और उस सबको कनेक्ट करेंगे थ्रू ऑप्टिकल केबल, कि कहीं अगर फ्यूचर में हमारे सैटेलाइट सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी हमारा जो टाइम है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट होता रहे। तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर हम लोग बन रहे हैं टाइम के मेजरमेंट में और जीपीएस के सॉरी जो हमारा जो पोजिशनिंग सिस्टम के लिए जैसे नाविक सैटेलाइट्स हैं,
इंडिया की जो पोजीशनिंग देख करने के लिए नैविक सैटेलाइट का जो लॉन्च किया गया है, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट, ये इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब कारगिल वॉर में जो आपके टेररिस्ट इंट्रूडर्स घुस गए थे उनके जीपीएस लोकेशन की डिमांड की थी इंडिया ने और यूएसए ने उसको देने से हमें मना कर दिया था। तो तब से यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सब मामलों में हम लोग आत्मनिर्भर बने। तो इसके साथ ही हम लोगों ने आज के तीन टॉपिक जीएसटी के यहाँ पे समाप्त कर लिए हैं। तो इसको रिवाइज करते रहिए, अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में।